मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू टुडे इंग्लिश स्पीकिंग डे 13 एंड अवर टॉपिक इज टॉक विथ कस्टमर केयर। सो आज हम बात करेंगे कस्टमर केयर के साथ किस तरह से इंग्लिश में बात की जाए। सो हाउ टू स्पीक इंग्लिश विथ कस्टमर केयर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो मैडम, हेलो सर, हेलो मैडम, इस तरह से पहले हम बात करते हैं। इसके बाद हम बोलते हैं वी हैव सम नेटवर्क प्रॉब्लम, वी हैव सम नेटवर्क प्रॉब्लम इन अवर एरिया, नो कवरेज इन अवर एरिया, इस तरह से बात होती है। इसके बाद जो सर और मैडम रिप्लाई में देते हैं कि फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग नाउ, आप कहां से बोल रहे हैं, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग नाउ। इसके बाद हम बोलते हैं वी आर स्पीकिंग फ्रॉम गोरान, वी आर स्पीकिंग फ्रॉम विलेज, वी आर स्पीकिंग फ्रॉम अ टाउन सिटी, सो नियर द मेहसाना सिटी, नियर द सूरत सिटी, नियर द अहमदाबाद सिटी, इस तरह से हम बोलते हैं। इसके बाद भी बोलते हैं वी हैव टावर इन अवर विलेज, वी हैव टावर, हमारे इस एरिया में टावर है, वी हैव अ टावर इन अवर विलेज बट नो कवरेज एट ऑल, लेकिन कवरेज नहीं है, नो कवरेज एट ऑल, मैडम और सर हम इसके रिक्वेस्ट करते हैं नो कवरेज एट ऑल। इसके बाद कहते हैं कि देयर इज नो कवरेज फ्रॉम मैनी डेज, काफी दिनों तक से अभी कोई कवरेज नहीं है, सो देयर इज नो कवरेज फ्रॉम मैनी डेज, प्लीज एक्सेप्ट अवर कंप्लेंट, आप हमारी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करें और अर्जेंटली उसको फॉलो करें, सो एक्सेप्ट अवर कंप्लेंट। इसके बाद बोलते हैं जो सर और मैडम कहते हैं डोंट वरी सर, वो भी हमें सर कहते हैं डोंट वरी सर, वी एक्सेप्ट योर कंप्लेंट, हमें आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट कर दी है, एंड प्रोसीड अर्जेंटली इमीडिएटली, हम उसको अर्जेंटली उसके प्रोसीड करते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम उसको आपकी कंप्लेंट को प्रोसीड कर देते हैं। सो उसके बाद हम बोलते हैं वी वॉन्ट टू पोर्टेबिलिटी एंड ज्वाइन एयरटेल और जियो और अदर कंपनी, हम उसको कहते हैं कि हम इस कार्ड से पोर्टेबिलिटी करना चाहते हैं, हम अदर कंपनी में यानी कि एयरटेल हो या जियो हो और वोडाफोन आइडिया जो भी कंपनी है इससे हम पोर्टेबिलिटी करना चाहते हैं, ये आप बोलना है, वी वॉन्ट टू पोर्टेबिलिटी एंड ज्वाइन अदर कंपनी एयरटेल जियो। सो इसके बाद जो मैडम और सर हमें कहती है कि प्लीज डोंट डू पोर्टेबिलिटी, आप पोर्टेबिलिटी मत कीजिए, आपको पोर्टेबिलिटी करने की जरूरत नहीं होगी, प्लीज डोंट डू पोर्टेबिलिटी, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, हम आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आप पोर्टेबिलिटी मत कीजिए, वो भी हमें रिक्वेस्ट करती है, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड अप्लाई कवरेज एंड स्पीड, आपको कवरेज और स्पीड दोनों आपको अप्लाई करेंगे, आपको पोर्टेबिलिटी करने की आवश्यकता नहीं है, सो अप्लाई कवरेज एंड स्पीड ऑल्सो। सो नेक्स्ट इसके बाद हम बोलते हैं कि आई हैव 30 Mbps इंटरनेट स्पीड प्लान, हमारे पास हमने 30 Mbps इंटरनेट स्पीड का प्लान लिया है, सो एंड पेड 5000 rupees फॉर इट, और इसके लिए हमने 5000 rupees पे किए हैं, फिर भी हमें ये स्पीड नहीं मिल रही है, सो इसके लिए हम बोलते हैं बट नो इंटरनेट स्पीड, फिर भी इंटरनेट स्पीड नहीं है, बट नो इंटरनेट स्पीड, वी आर इन द ट्रबल, इसकी वजह से हम काफी ट्रबल है कि कवरेज नहीं है, स्पीड नहीं है, इससे सब वी आर इन ट्रबल, वी कांट ऑपरेट मोबाइल, वी कांट ऑपरेट द कंप्यूटर, वी कांट ऑपरेट द मोबाइल, इसकी वजह से हम मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पाते, सो इसके रिप्लाई में वो जो सर और मैडम हमें कहती है कि डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी, शॉर्टली रिसेंटली वी फॉलो यू, हम आपको फॉलो करेंगे, आपका कवरेज और स्पीड अभी हो जाएगी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, थैंक यू फॉर कॉलिंग जियो, थैंक यू फॉर कॉलिंग एयरटेल, थैंक यू फॉर कॉलिंग वोडाफोन आइडिया, इस तरह से बात कस्टमर केयर से होती है और इससे हमें ज़्यादा सीखने मिलता है, सो दिस इज अवर टॉपिक, सो नाइस टू मीट यू, ओके। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.